बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है। बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? ना ना देखिए देखिए ये देखिए मुझे तोता बोलने से बताइए दीपक जी बड़े पत्रकार हैं तोते की आवाज सुनिए। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे कुछ भी होता रहे मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। मीडिया न्यूज दिखाने का एकमात्र जरिया है, पर वही अगर न्यूज की जगह कुछ और दिखाने लगे और जो खबर दे भी वह भी झूठी निकले तो? आज हम इस हफ्ते के मीडिया में जो कुछ हुआ उसके कुछ झलकियों पर बात करेंगे। पिछले कुछ समय से मीडिया न्यूज को बिना फैक्ट चेक किए आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई हलचल को लेकर हमारे गोदी मीडिया एंकर ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। दीपक चौरसिया ने लिखा, POK में भारत का अब तक सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। ऐसे ही कुछ ट्वीट रूबिका और अंजना ओम कश्यप ने भी किए, पर रूबिका की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें रूबिका POK में हुई एयर स्ट्राइक का जिक्र कर रही है। पहले ये वीडियो देखिए। कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स थे, लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर POK के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी है। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी, तुम आतंकी कश्मीर में भेजते हो, घुसपैठ कराते हो, तो हम उसे सीधा वहाँ भेजेंगे कब्रिस्तान और कब्रिस्तान से उसका टिकट कटेगा जहन्नुम में। पर असल में ये न्यूज फेक थी। ANI ने इस खबर को गलत बताया और लिखा, रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मीज एक्शन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आर फेक। इंडियन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। इसके बाद हमारे वही मीडिया ने अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए और नए ट्वीट डाल दिए जिसमें उन्होंने POK में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बताया। वाह क्या सीन है। आपने देखा हमारा मीडिया किस तरह से फेक न्यूज फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद अब बात करते हैं अमीश देवगन की। नमस्कार मैं हूं अमीश देवगन। खैर अमीश को उनके बार बार बीच में टोकने पर नेता अक्सर तंग आ जाते हैं। पहले एक नेता ने उन्हें BND कहा था, पर इस बार उन्हें तोता भी बोल दिया। ये बात बताइए, क्या बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में तो संदर्भ लिखा है, क्या उसमें कुछ बदलाव है, हाँ या ना? तो वही तो मैं बोल रही हूँ, बोलने नहीं दे रहे हो आप। बोलने तो बोलने दे रहे हो आप, इतने ढाई मिनट से बोल रही मैडम। एंड अर्नेस्ट भी बोला है, आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं। अमित मैं इस तरह की ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहती। नहीं आप बोलिए अपनी बात को, रखिए आपकी बात, आपकी बात को कौन रोक रहा है? एंकर बनिए। मैं एंकर ही बन रहा हूँ मैडम, और मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। एंकर कैसे बनना है, एंकर की क्लास उससे लेनी है। आप अपनी पार्टी की बात रखिए ना मैडम, आप सिखाने लगती हैं कि एंकर कैसे बनना है, एंकर कैसे नहीं बनना। अपनी बात रखिए मैडम, आप बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? ना देखिए देखिए ये देखिए मुझे तोता बोलने से, मुझे गाली देने से, अगर आपकी पार्टी की दो सीटें बढ़ती हो तो दो गाली और दे दीजिए, अगर बढ़ रही हो तो कर दीजिए। यही सब आप लोग करते हैं, नहीं बिल्कुल, यही लोग आपको पिछले 6 साल से यही कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैडम, देश की जनता सब देखती है। आप एक एंकर को तोता बुलाएंगी, आप बोलेंगे एक एंकर तोता, क्या कमाल का काम किया, क्या कमाल का काम किया, वाह 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 वाह। चलो अब तोते की बात आई है तो एक वाक्य तोते का। दीपक चौरसिया के साथ भी JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के उद्घाटन के बाद न्यूज नेशन पर डिबेट हुई। इस डिबेट में दीपक चौरसिया और गेस्ट के बीच फगवे को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में गेस्ट ने दीपक को तोता दिखाना शुरू किया और इससे बात करने को कहा। थोड़ा शोर कम हो तो हम बात करें। दीपक आप तो बड़े शांति के दूत हैं, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। आपका फेवरेट प्राणी लेकर आया हूं तोता, और ये आपको बताएगा तोता जी, ये तोता आपको बताएगा कि सत्य क्या है। किसी संघी ने, मैं ये 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि किसी संघी ने विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे भगवा लिखा और BJP के बारे में कुछ अनाप शनाप लिखा। पूरे दिन वो वहाँ पर लिखा रहा, पर किसी ने मिटाया नहीं। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है सनी धीमान, इसी ने उस चीज़ को मिटाया, क्योंकि हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू ये भारत की विरासत है, साझी विरासत है। हम स्वामी विवेकानंद के भगवान विश्वास रखते हैं। ये जो उनकी नकली भगवादारी जो रावण के चेले चपाटी वहां पर आईसी गोद वगैरह, बताइए दीपक जी बड़े पत्रकार हैं, तोते की आवाज सुनिए दीपक जी। ये दीपक जी तोते की बात सुनिए, मतलब आपको भी तोता लाना पड़ रहा है यहाँ पर बोलने के लिए। आपकी आवाज को क्या हुआ जो तोते की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं बड़े मुद्दे पर शहनवाज जी के पास चलता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब थोड़ी बात अर्नब की भी कर लेते हैं। हाल ही में अर्नब को
सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। उसके बाद का नजर आप सबने देखा। जितने दिन अर्नब जेल में रहे उनके चैनल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। न्यूज तो थी ही, अर्नब पर किसी ने सॉन्ग भी बना डाला। तो दो लाइनें जो अर्नब जी के सपोर्ट में मैंने लिखी हैं वो सुनाना चाहूंगा। ना हारा है ना हारेगा अर्नब तो देश का तारा है। तुम लड़ते रहो गद्दारों से तेरे साथ में भारत सारा है। तुम लड़ते रहो गद्दारों से तेरे साथ में भारत सारा है। तुम देश के अर्नब हो प्यारे तेरे साथ खड़े हैं हम सारे। जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके मुंह होंगे अब काले। इसके बाद रिपब्लिक की एक डिबेट में अपनी बात रखते हुए एक लेडी ने बीजेपी की आलोचना कर दी, जिसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि अर्नब बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए। देखो इस बात अगर अर्नब को कुछ हो गया यार तो हम लोग सब लोग क्या करेंगे? What will we all do? Because he is the warrior of all of us. और मैं खुद इतनी पेंड हूँ कि सेटल का मैं क्या कर रही है? क्यों नहीं अर्नब के साथ आज खड़ी हुई? जब उसके इशारों पर अर्नब ने बोला और अर्नब के साथ वो लोग आज इतनी बर्बाद कर रही है तो क्यों नहीं बात कर रहे आगे? क्यों नहीं? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? ये तो देश वाले पहले से ही कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है। कभी अंजना के मुंह से अंजना ओम मोदी निकल जाता है, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम मोदी, तो कभी एबीपी न्यूज को बीजेपी न्यूज बना दिया जाता है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को, अब बीजेपी न्यूज पर एबीपी न्यूज पर पहली बार। सुधीर चौधरी ने तो दिल्ली के इलेक्शन के बाद दिल्ली की जनता को ही डांट लगा दी थी क्योंकि बीजेपी को कम वोट पड़े थे। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब इसके आगे क्या सबूत चाहिए देश वालों को? अब तो न्यूज एंकर खुद ही बताने में लगे हैं कि उनका समर्थन बीजेपी को है, इसलिए तो मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।